नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। मुहर्रम का महीना गम का महीना होता है, जिसमें इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को कर्बला में शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में गम मनाया जाता है और सीनाजनी भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकीदतमंद इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे की याद में आग का मातम करते हैं। वहीं गाजीपुर शहर में स्थित नखास मोहल्ले में अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन की याद में नौहा खानी कर सीनाजनी किया, साथ ही आग का मातम भी किया। वहीं इस मामले में अकीदतमंदों ने बताया कि हम लोग इमाम हुसैन की याद में गम मनाते हैं और सीनाजनी करते हैं। आज हम लोग ने आग का मातम किया और आग का मातम इसलिए करते हैं कि कर्बला की जमीन पर लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था और इमाम हुसैन के अपने 6 महीने के बच्चे को उस जलती हुई जमीन पर लेटा कर बताया गया था कि मुझे पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे को पानी पिला दो। इसलिए हम आग का मातम करते हैं और याद करते हैं उसी चीज को कि हाँ, जब हमारा पैर जलेगा तो इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे की याद को हम इसी तरह मनाते हैं। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। मुहर्रम को आग का मातम करते हैं। आग के मातम को हम इसलिए करते हैं, कर्बला की जमीन पे करीब करीब 55 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था और हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को उस जलती हुई सरजमीन पे लिटा के ये बताया था कि देखो, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे को पानी पिला दो। और लिटा के बता दिया कि मैं पानी नहीं पीना चाहता, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो तो इस 6 महीने के बच्चे के ऊपर यकीन करो जो पानी के लिए तड़प रहा है अपने झूले में और अपने आप को झूले से गिरा दिया। और इसीलिए हम आग के मातम को करते हैं कि हमारा पैर तो जलता है, लेकिन हम याद करते हैं उस चीज़ को कि जब हमारा पैर जलेगा तो इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे की याद हम इस तरीके से मनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।